कोई भी नहीं। अबे तुमने ये सीरियल नहीं देखा? आज काफी दिनों के बाद ऑफिस जा रहा हूँ, सो आई जस्ट थॉट कि आप लोगों को भी अपना ऑफिस दिखा लेता हूँ। आई डोंट थिंक ज्यादा लोग आज ऑफिस में होंगे बिकॉज पीपल आर स्टिल इन दैट हॉलीडे मोड। तो मिड ऑफ जैन तक काम थोड़ा सा इजी रहता है, बट जैन के बाद, मिड ऑफ जैन के बाद लोग आना शुरू हो जाते हैं, एंड कोविड की वजह से भी लोग यूजुअली प्रेफर टू वर्क फ्रॉम होम। बट यार मैं घर पे काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता हूँ, तो आई जस्ट थॉट कि आज ऑफिस जाया जाए। ये कंस्ट्रक्शन जब से मैं आया था तब से हो रही है, एंड बाय द वे दिस इज़ माय ओल्ड ऑफिस, यहाँ पर मैं पहले काम करता था। दिस इज़ दी NZTA बिल्डिंग, न्यू ज़ीलैंड ट्रांसपोर्ट। अरे यार टाइम खत्म हो गया। तो यहाँ पे रोड क्रॉस करने का सिस्टम ईजी है, इंडिया की तरह नहीं है कि आप हाथ दे दे के ट्रैफिक को रुकाते हो। यहाँ पे ये बटन दबाते हो आप, और जैसे ही बटन दबाते हो वहाँ पे एक टाइमर शुरू हो जाता है, तो सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं। ब्रिज पूरा खुल जाता है क्योंकि नीचे से बोट पास करनी होती है, एंड देन लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं इसके ऊपर जाने के लिए, बिकॉज दैट्स ओनली वे टू क्रॉस दिस। तो अभी थोड़ी देर में नीचे हो जाएगा एंड देन पीपल कैन क्रॉस। अभी हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो भाई ये रहा अपना ऑफिस, पूरा एकदम हार्बर के बिल्कुल सामने है। यहाँ से पूरा सी व्यू देखेगा आपको। अभी 7th फ्लोर से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। आई डोंट नो अभी खुला होगा या नहीं, बट होपफुली खुला हो। तो ये इनकी रिटेल ब्रांच है यहाँ पे, लेकिन जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो ये वाला है, पूरा पूरा आगे तक है। तो इस वाले डोर से हम अंदर जाएंगे। आई डोंट नो खुला है या नहीं है। हाँ खुला है। तो ये देखो, ये ASB इनोवेशन की यहाँ पे साइकिल्स है। तो ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए, दे कैन प्रॉब्ली बुक इट एंड दे कैन गो फॉर अ राइड। तो ये पूरी इलेक्ट्रिक साइकिल्स है बिकॉज ASB प्रमोट्स इनोवेशन। तो गाइस आपका सफ़र यहीं तक था। सॉरी आई कॉन्ट टेक द कैमरा इनसाइड बिकॉज बैंक के काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होते हैं प्राइवेसी को लेकर, सो आई डोंट वांट टू फॉल इन ट्रबल। तो यहाँ से कुछ ऐसे व्यू दिखते हैं, वहाँ से आपको पूरा हार्बर दिखेगा। 7th फ्लोर पे चलते हैं। आई डोंट नो वो अभी ओपन होगा कि नहीं, बट वहाँ से गाइस अमेजिंग व्यूज़ हैं। Look at the view from here, guys. तो यहाँ से 7th फ्लोर से कुछ ऐसे व्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हमारी बेसिकली ऑफिस की पार्टी वगैरह होती है, और यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह लगा होता है। तो इफ़ देयर इज़ लाइक अ टीम फंक्शन और सम गैदरिंग, तो यहाँ पे 7th फ्लोर पे होती है। एंड यू कैन सी द व्यू फ्रॉम हेयर, पूरा सिटी व्यू आपको यहाँ से दिखता है। एंड देन यू कैन सी द हार्बर ब्रिज देयर। ये चीज़ है यहाँ पे, द बिल्डिंग इज डिजाइंड इन अ वे की जो डे लाइट है, पूरी नेचुरल लाइट, वो यहाँ से अंदर आती है एंड देन डायरेक्टली इट कम्स इनसाइड द बिल्डिंग। यहाँ से थोड़ा सा स्काई टावर भी दिख रहा है, हल्की सी चुंज निकली है इसकी। आई वाज टोल्ड कि मेरे जस्ट आने से पहले जो हमारी टीम थी, फ्रॉड एनालिटिक्स टीम, वो 7th फ्लोर पे ही बैठती थी एंड दे यूज टू एंजॉय द हार्बर व्यू। लेकिन जैसे ही मैंने ज्वाइन किया वो 3rd फ्लोर पे शिफ्ट हो गए, तो मैं ही पनौती था। चलो कोई नहीं, किस्मत ही खराब थी। बट एनीवेज 3rd फ्लोर से भी ठीक ठाक व्यू दिख जाता है, बट एज कम्पेयर टू 7th व्यू इट्स रियली नाइस। कभी कभी जब मन करता है तो आई जस्ट कम अप एंड एंजॉय द व्यू फ्रॉम हेयर। धूप होती है, अच्छी धूप है, बट अभी तो थोड़ा बहुत गर्मी है। बट यूजुअली सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे आओ, रिलैक्स करो, आराम से धूप में बैठो, इट्स रियली गुड। तो अभी एक मीटिंग है, थोड़ा सा बैठते हैं यहाँ पे एंड देन आई लीव। और जैसा कि मैंने आपको कहा, बिल्डिंग के अंदर आई कॉन्ट टेक द कैमरा बिकॉज एज आई सेड बैंक्स के काफ़ी स्ट्रिक्ट प्राइवेसी रेगुलेशंस होते हैं, तो आई डोंट वांट टू फॉल इन एनी काइंड ऑफ ट्रबल। सो या बाहर से ही आप जितना देख सकते हो देख लो, अंदर तो यार मैं नहीं दिखा पाऊंगा। ये अपना कॉमन एरिया है जो कि आजकल थोड़ा खाली रहता है क्योंकि कोविड के बाद से लोग यूजुअली वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं। बट यहाँ पे मेरा इंडक्शन हुआ था, लाइक द इंडक्शन पार्टी फॉर न्यू जॉइनर्स, वो यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, स्नैक्स रखे जाते हैं इस टेबल के ऊपर। बट गाइज आई एम बैक फ्रॉम ऑफिस। तो आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो उसके लिए मेगा और मैं एक बर्थडे गिफ्ट खरीदने गए थे H&M में। तो वी आर हेडिंग टू अ पार्टी विच इज़ अ बीच पार्टी, तो अभी देखते हैं वहाँ क्या माहौल है। So guys, this is our birthday girl. Please say hi to our viewers. Okay, viewers, हमारी मोमबत्तियां बुझ रही हैं। इससे पहले हवा बुझा दे। नेहा आप बुझा दो। Come on, नेहा। Long par. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Neha.
अबे ओए तेरे कोड़ी दे रहा, तेरे कोड़ी दे रही भाई। मैं नहीं खा सकता। गाइस दिस इज केक नंबर 2। I've been concerned that the knife's been all over here, like usually you follow the round. That's cake number 2. इसके लिए गाना नहीं, happy birthday to you, happy birthday to you। तेरे कुछ और गेस्ट्स भी आए हैं, ये देखो ये भी आए हैं केक खाने। डरते नहीं है यार, ये देख इनके पास जाओ। या और ना न्यूजीलैंड, यू नो द फ्लाइट, इट्स ऑन देयर सेफ्टी वीडियो, सो दैट्स हाउ इट गॉट पॉपुलर। ये फरीदाबाद से है, बस इंग्लिश बोलना है इसको थोड़ी बहुत। ये फरीदाबाद से ही है। ये पॉइंटशिप का बीच है। It's a really nice beach. It's a really nice beach and really long beach. And this park, if you go down there, you get the whole view of the city and the harbor bridge. It's a really amazing place, actually. It does look amazing. Mm. Yeah. The only thing this lacks is like the government provided grills. Otherwise, it's just an amazing place. ये भी कोटा से है, बस इंग्लिश यही आ रही है। फरीदाबाद कोटा दोनों इंग्लिश। I'm trying to talk in English because everyone like all the locals. तभी मैं पूछा था कब जाएंगे वो। Wow, look at this guys, prawns in the barbecue on the beach. This is tandoori chicken, marinated specially for Neha on her birthday. स्पेशल तेरे लिए मैरिनेट किया मैंने। एंड दोस्तों हम थोड़ी हीट को लो कर देंगे ताकि धीमी आंच पे पके। द बर्थडे गर्ल एंड वी बोथ हैव कम टू शो यू द सनसेट। हवा बहुत ज्यादा चल रही है तो एक्सक्यूज द ऑडियो क्वालिटी, बट यहाँ से सनसेट देखो। कुछ कहेंगे आप? थैंक यू गाइस फॉर कमिंग, थैंक यू दर्शकों फॉर वॉचिंग। Guys, I'll enjoy the party now. काफ़ी सारे लोग आए हैं और ऐसा अच्छा भी नहीं लगता कि मैं ना कैमरा लेके सबके मुंह में घुस रहा हूँ। तो I'll spend some time and then probably I'll meet you guys after this. Oh, आ गए आप लोग। अमानत नहीं लेके जाते। लेकिन चले ये आलू कोई लेने को तैयार नहीं है। जन्म भाई तू यही लेके आई हो। That is the only thing that works. अबे तुमने ये सीरियल नहीं देखा? तो गाइज आज काफी दिनों के बाद हम बालकनी में बैठे और अंकित के साथ कुछ कॉन्वर्सेशन हो रही है। बट वो हाँ तू भाई आ रहा है, तो क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है वो हम आप लोगों को नहीं बता सकते। क्यों अंकित? काफी इंटेंस है। हाँ काफी बालकनी में बैठे हैं, देखे जा रहे हैं हवा में कर क्या रहे हैं पता नहीं। लेकिन अब हम आपको क्या बता सकते हैं वो आपको बताते हैं। ये पुलिस की गाड़ी है यहाँ पे, आई थिंक अराउंड 15 दिन से 15 मिनट से वहाँ पे है। गाड़ी वहीं खड़ी है और उस गाड़ी वाले को पकड़ा। आई डोंट नो क्या पूछ रहा है, इसे क्या कर रहा है। आई थिंक स्पीडिंग टिकट मिली है उसको। बट एनीवेज गाइस, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड योर सपोर्ट। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको थैंक यू। तो और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी थैंक यू सो मच गाइस, योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार एक सब्सक्राइब कर ही लो, क्या जा रहा है, इस गरीब का काम बन जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.